हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में फिर से हम एक नया तोरण पट्टी का डिज़ाइन सीखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले हमें चैन लेना है। टोटल हमें 17 चैन लेना है। 17 चैन लेकर 3 चैन एक्स्ट्रा लेंगे और 18 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो चलिए चैन लेकर 18 डबल क्रोशेट बना लेते हैं। आप वीडियो में बने रहे। अगर आपको और भी डिज़ाइनर तोरण पट्टी का वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है। आपको तोरण का डिज़ाइन चाहिए तो आप तोरण का भी वीडियो देख सकते हैं। थालपोश का डिज़ाइन है, बहुत सारा वीडियो अपलोड है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, शायद आपको पसंद आ जाए। तो 3 चैन एक्स्ट्रा लेकर डबल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल 18 डबल क्रोशेट बनाएंगे। सभी चैन से डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। तो चलिए इसे पूरा करके दिखाती हूँ, आप वीडियो में बने रहे। तो इस तरह से फर्स्ट रो को कंप्लीट करके लेना है। फिर से 3 चैन लेकर 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। चैन को काउंट करेंगे तो 6 डबल क्रोशेट होगा। सिक्स डबल क्रोशेट बनाकर 6 चैन लेंगे। तो हमने 6 डबल क्रोशेट बना लिया है। अब 1 2 3 4 5 6 6 चैन लेंगे और 6 डबल क्रोशेट को स्किप कर देंगे। 7th वाले से डबल क्रोशेट बनाएंगे और पुनः 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें 3 रो कंप्लीट करके लेना है, सेम प्रोसेस में रिपीट करके लेना है। तो चलिए मैं रिपीट करके दिखाती हूँ, आप वीडियो में बने रहें। Thank you.
तो इस तरह से हमें 3 रो कंप्लीट करके लेना है। 4th रो में हमें 3 चेन लेना है और एक मोती को लगाना है। यहाँ से इस 3 चेन को बांध देंगे, इस तरह से बांधेंगे। एक चेन लेंगे और इसके अंदर मोती को लगाएंगे। फिर 3 चेन लेंगे और साइड का डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरह से हमें रिपीट करके बनाना है। फिर से 6 चेन लेकर 3 रो कंप्लीट करेंगे। पुनः 4th वाले रो में मोती को लगाएंगे। आई होप आप इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको मेरे चैनल पर हमेशा न्यू डिज़ाइन में तोरण पट्टी देखने को मिलता रहेगा। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करके बनाना है। तो चलिए इसे पूरा करके दिखाती हूँ, आप वीडियो में बने रहें। इसी तरह से बनाना है। हमने इस तरह से इतना सैंपल बनाया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह डिज़ाइन आपको कैसे लगा। मिलेंगे नए वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ।